ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवती भगवती नैष्टिकी भगवती हरे हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु धन्वंतरि जी, शशि सहस्रनाम, कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण। अब दक्ष के जब दो पैच पुत्रों के नारद ने उनको भक्ति में लगा दिया, तो फिर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया, वो बहुत गुस्से में थे। फिर उन्होंने 60 पुत्रियां पैदा की। उन पुत्रियों का वर्णन चल रहा है कि किससे शादी, किससे हुई, उससे कितने पुत्र हुए, कितने पुत्रियां हुई, यही वर्णन चल रहा है। 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। विश्वे देवा तु विश्वाया अप्रजान तान प्रचक्षते, साध्यो गणश्च साध्याया अर्थ सिद्धि तु तत्सुतः। मेरे साथ पढ़िए। विश्वे देवा तु विश्वाया विश्वे देवास्तु विश्वाया विश्वाया अप्रजान तान प्रचक्षते, साध्यो अप्रजान तान गणः प्रचक्षते च साध्याया साध्यो गणश्च साध्याया साध्याया अर्थ सिद्धि तु तत्सुतः। अर्थ सिद्धि तत्सुतः। शब्दार्थ है विश्व देवा, विश्वदेव नाम के देवता। तो लेकिन विश्वाया, विश्वा से अप्रजान पुत्र रहित तान, उनको प्रचक्षते कहा जाता है। साध्य गण, साध्य नाम के देवता गण, च तथा साध्याया, साध्या के गर्भ से अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्धि तो लेकिन तत्सुतः साध्यों का पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए। विश्वा के पुत्र विश्वदेव विश्वदेव हुए। विश्वदीप हुए। विश्वा जो है दक्ष के पुत्री हैं, जिनके कोई संतान नहीं थी, जिनके कोई संतान जिनके कोई नहीं संतान थी, नहीं थी, साध्या के गर्भ से, साध्या साध्या के गर्भ से, के गर्भ से साध्य साध्य गण हुए, जिनके गण हुए, जिनके पुत्र का नाम अर्थ सिद्धि था। पुत्र का पुत्र नाम का नाम अर्थ अर्थ सिद्धि सिद्धि था। था। एक साध्य गण हुए और जिनके पुत्र का नाम था अर्थ सिद्धि। अब फिर उनके बच्चों के बच्चों का भी जिक्र आएगा। मरुत्वाश्च जयन्तश्च मरुत्वया बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश देव अंश उपेन्द्र इति यम विदुः। उपेन्द्र आपने सुना होगा, भगवान का रूप है, अंश है। मेरे साथ पढ़िए। मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वया बभूवतुः, मरुत्वया बभूवतुः बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश जयन्तो जयन्तो वासुदेवांश वासुदेवांश उपेन्द्र इति यम विदुः। उपेन्द्रयति विदुः। मरुत्वान् च भी जयन्तः, जयन्त च तथा मरुत्वया, मरुत्वसी से, मरुत्वती से बभूवतुः जन्म लिया जयन्तः, जयन्त वासुदेव अंश, भगवान वासुदेव के अंश स्वरूप उपेन्द्र, उपेन्द्र इति इस प्रकार यम जिसको विदुः जानते हैं। मेरे साथ पढ़े। मरुत्वती के गर्भ से, मरुत्वती मरुत्वती के के गर्भ गर्भ से से मरुत्वान मरुत्वान तथा तथा जयंत नामक दो पुत्रों ने जन्म लिया। जयंत नामक जयंत दो दो पुत्रों पुत्रों ने ने जन्म जन्म लिया। लिया जन्म लिया जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं और उपेंद्र कहे जाते और हैं, उपेंद्र कहे और जाते उपेंद्र कहे जाते हैं। हैं। हरे कृष्णा। मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जगिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। मेरे साथ। मुहूर्तिका देवगणा,
मुहूर्तायाश्च जगिरे फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकारजम् मुहूर्तिका मुहूर्तिक गण देवगणा देवता मुहूर्ताया मुहूर्ता के गर्भ से च तथा जग्रे जन्म ग्रहण किया ये जिन सबों ने वह निसंदेह फलम फल परिणाम प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं भूता नाम समस्त जीवात्माओं का स्व स्व अपना अपना कालजम काल से उत्पन्न मेरे साथ मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्ता मुहूर्ता के के गर्भ गर्भ से से मुहूर्त मुहूर्त के गर्भ मुहूर्तिक गण गण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया किया ये देवता अपने अपने कालों में ये देवता अपने अपने कालों में जीवात्माओं को जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। हाँ उस समय जब ये थे उस समय लोग इनकी पूजा करके इनसे फल ग्रहण करते थे जैसे अभी भी करते हैं तब की बात होगी। संकल्पाया तु संकल्प काम संकल्प जस्मतः वसवो अस्तो वसवो पुत्रा तेसाम नामानि मे श्रुणु द्रोणः प्राणो ध्रुवो वर्को अग्निः दोषो वास्तुभिः विवाद वसु द्रोणस्य अभि मतेः पत्न्या हर्ष शोक भय आदयः फिर संकल्प संकल्प संकल्पाया तु संकल्प संकल्प काम संकल्प जस्मतः संकल्प वसो अष्टौ वसो पुत्रा पुत्रः तेषां नामानि मे श्रुणु तेषां उनके नाम मेरे से सुनो द्रोणः पाणौ ध्रुवो अर्को अग्नि नामानि दोषो वास्तु विवावसु दोषो द्रोणस्य अभिमते पत्न्या हर्ष शोक भय आदयः संकल्पाया संकल्पा के गर्भ से तू लेकिन संकल्प संकल्प काम काम संकल्प जह संकल्प का पुत्र स्मृतः विख्यात वसवा अष्टौ आठों वसु 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 के पुत्रा पुत्र तेसाम उनके नामानि नाम भे मुझसे सुनो सुनो द्रोणः द्रोण प्राणः प्राण ध्रुवः ध्रुव अर्कः अर्क अग्निः अग्नि दोषः दोष वास्तु वास्तु विवावसु विवावसु द्रोणस्य द्रोण के अभिमते अभिमति से पत्न्या पत्नी हर्ष शोक भय आदयः हर्ष शोक भय आदि नाम वाले पुत्र बड़े नाम हर्ष शोक भाई पुत्रों के नाम मेरे साथ संकल्पा का पुत्र संकल्प संकल्प कहलाया कहलाया जिससे काम की उत्पत्ति हुई जिससे काम की काम की उत्पत्ति हुई वसु के पुत्र पुत्र अष्ट वसु कहलाए अष्ट वसु कहलाए हाँ अष्ट वसु आप पढ़ते हैं उनके नाम सुनो उनके उनके नाम नाम सुनो सुनो तो आठ वसु जो हैं उनके नाम हैं द्रोण द्रोण प्राण
प्राण ध्रुव ध्रुव अर्क अर्क अग्नि अग्नि दोष दोष वास्तु वास्तु तथा विभावसु तथा विभावसु। इनमें से एक नाम भीष्म पितामह भी आएगा क्योंकि भीष्म पितामह भी वसुओं में गिने जाते हैं। इनमें से कौन सा है पता नहीं, अर्क है या कौन सा है इनमें नाम पता नहीं, आप नोट के देख सकते हैं। उनका जब आया है हमने पढ़ा है एक जगह 8 वसुओं में उनका नाम भी आता। द्रोण नामक वसु की पत्नी द्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से अभिमति से हर्ष हर्ष शोक शोक भय भय इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। मैं यही कह रहा था बड़े अच्छे नाम रखे हैं बच्चों के हर्ष शोक भय। प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरो जवः ध्रुवस्य भार्या धरणी असूत विविधा पुरः। मेरे साथ प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरो जवः ध्रुवस्य भार्या धरणी असूत विविधा पुरः। शब्दार्थ है प्राणस्य प्राण की ऊर्जस्वती ऊर्जस्वती भार्या पत्नी सह सह आयु आयु पुरोजवः पुरोजव ध्रुवस्य ध्रुव की भार्या पत्नी धरणी धरणी असुद उत्पन्न किया विविधा अनेक पुरह नगर। मेरे साथ पढ़िए प्राण की पत्नी प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह सह आयुष आयुष तथा पुरोजव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी था जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पन्न हुई उत्पत्ति हुई। ये नहीं समझ आया ये नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके धरणी के इससे, क्योंकि तात्पर्य इसका है नहीं। इसके बारे में गूगल में आप कहीं पता करिए या एक काम करिए वेदावेद में जाइए उसमें बेटर है क्योंकि वो प्रमाणिक है। गूगल में कुछ भी लोग लिख देते हैं। ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी था, ये ध्रुव अलग है ना, ये ध्रुव वो वाले ध्रुव नहीं जो हम पढ़ के आए हैं। उसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई। ये समझ नहीं आया नगर कैसे, क्योंकि ये तो जीवों को उत्पन्न करने के लिए पैदा हुई थी या उनके गर्भ से जो पैदा हुए उन्होंने नगर स्थापित किए, ऐसा हो सकता है। पल्लवी माता जी जी प्रभु जी मुझे भी समझ में नहीं आया नगरों की उत्पत्ति नगरों की उत्पत्ति मेरे ख्याल से यही हुआ होगा कि पुत्र हुए जिन्होंने नगर स्थापित किया, ऐसा देखेंगे इसके बारे में। ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी ध्रुव ध्रुव की पत्नी का नाम ध्रुव और धरणी ये करके अगर आप डालेंगे वेदाबेस में तो शायद कुछ पता लगे, क्योंकि प्रभुपाद इसमें कुछ तात्पर्य लिखने को है भी नहीं कि इससे ये पैदा हुआ इससे ये पैदा हुआ। अर्कस्य वासना भार्या पुत्राः तर्ष आदयः स्मृता अग्ने भार्या वसोः धारा पुत्रा द्रविण द्रविणक आदयः।
मेरे साथ पढ़िए, अर्कस्य वासना भार्या, अर्कस्य वासना भार्या, पुत्रा तर्ष आदयः स्मृता, अग्ने भार्या वसोदारा, अग्ने पुत्रा द्रविण आदयः, शब्दार्थ है अर्कस्य, अर्क की वासना, वासना भार्या पत्नी, पुत्रा कई पुत्र, तर्ष आदेह तर्ष इत्यादि, स्मृता विख्यात, अग्नि अग्नि की भार्या पत्नी, बसो बसु की धारा धारा, पुत्रा पुत्र, द्रविण आदेह द्रविण द्रविण इत्यादि। मेरे साथ अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से, अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए, कई पुत्र जिनमें तर्ष प्रमुख था, जिनमें तर्ष प्रमुख था, अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से, अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रविणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए, द्रविणक इत्यादि पुत्र हुए। हाँ, नारद ने रोका दक्ष को संतान उत्पन्न करने में, उन्होंने अपनी बेटियों के थ्रू ये उत्पन्न किए बच्चे, तो रुके रुके नहीं दक्ष। स्कंदः च कृतिका पुत्रो ये विशाखादयः ततः, दोषस्य सर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरे कला। मेरे साथ स्कंदः च कृतिका पुत्रो, स्कंदः च कृतिका पुत्रो ये विशाख आदयः ततः, दोषस्य सर्वरी पुत्रः, दोषस्य सर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरे कला, शिशुमारो हरे कला। शब्दार्थ स्कंदः स्कंद च भी, कृतिका पुत्र कृतिका का पुत्र, ये जो विशाख आदयः विशाख इत्यादि, ततः उस स्कंद से, दोषस्य दोष का सर्वरी पुत्र उसकी पत्नी, सर्वरी का पुत्र शिशुमार शिशुमार हरे कला भगवान का अंश। कला भगवान का अंश होता है, अंश का अंश समझिए। मेरे साथ पढ़े अग्नि की दूसरी पत्नी, अग्नि की दूसरी पत्नी कृतिका से, कृतिका से स्कंद, स्कंद स्कंद कार्तिकेय कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, ये कार्तिकेय, एक तो कार्तिकेय शिव जी का पुत्र भी है, गणेश का भाई। मेरे ख्याल से कार्तिकेय बड़ा है, गणेश छोटे हैं शायद मेरे ख्याल से। जी जी, ये कार्तिकेय, हाँ ये कार्तिकेय वो नहीं है, ये हालांकि नाम स्कंद कार्तिकेय का आता है। और एक चीज आप देखिए, भगवत गीता में दिया है कि योद्धाओं में मैं स्कंद हूँ, कार्तिकेय हूँ कहते हैं भगवान। ये कार्तिकेय ये वाला हो सकता है, क्योंकि जो शिव जी का पुत्र कार्तिकेय है वो कैसा योद्धा है मुझे नहीं पता, उसके बारे में सुना नहीं। हो सकता है आपको ये वाला कार्तिकेय है या वो वाला कार्तिकेय। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं किसमें है, मेरे सेनापति तो वही कराते हैं प्रभु है, सेनापति तो शिवजी के पुत्र कराते हैं कार्तिकेय, वो सेनापति के रूप में है ना जी। हाँ, तो वही होंगे, तो ये यहाँ भी कार्तिकेय आया है, क्योंकि उनके जो सेनापति हैं शिव जी के पुत्र का कहीं, क्योंकि हमने शिव जी के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो हमने कहीं उनको बारे में पता नहीं है ज्यादा, तो वही होगा आपने पढ़ा है तो।
जिसके पुत्र में विशाख प्रमुख था, जिसके पुत्र में विशाख प्रमुख विशाख प्रमुख था, दोष नामक वसु की पत्नी शर्वरी से, दोष नामक वसु के पत्नी से शिशुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, शिशुमार नाम का पुत्र हुआ, जो श्री भगवान का अंश था। जो श्री भगवान का भगवान का अंश था। वास्तो आंग्री आंग्री आंग्रसी पुत्रो, वास्तो आंग्रसी पुत्रो विश्वकर्मा कृति पति ततो मनुष्या ततो मनुहु चाक्षुषो अभूत अभूत पढ़ लेते हैं उसको ज्यादा आगे को पढ़। ततो मनुहु चाक्षुषो अभूत द्विश्वे साध्या मनोसुता। मेरे साथ पढ़िए, वास्तो आंगरसी पुत्रो, वास्तु वास्तु रंगिरसी पुत्रो, विश्वकर्मा कृति पति विश्वकर्मा कृति पति पति ततो मनु चाक्षुषो अभूत। ततो मनुष्यो विशेषाद्या मनोसुता, विशेषाद्या वास्तु है, वास्तु आंग्रसी नामक पत्नी से पुत्र, पुत्र विश्वकर्मा आकृति पति आकृति का पति, ततः उससे मनु चाक्षुष, मनु जिसका नाम चाक्षुष है। ये मेरे ख्याल से छठे मनु हैं चाक्षुष। अभूत उत्पन्न हुआ, विश्वे विश्वदेव गण साध्या साध्य गण मनो मनु के सुता पुत्र। मेरे साथ, वास्तु नामक वसु की पत्नी वासु नामक वसु की पत्नी अंगरसी से महान शिल्पी महान शिल्पी विश्वकर्मा विश्वकर्मा का जन्म हुआ। का जन्म हुआ। हाँ, विश्वकर्मा जो माने जाते हैं, पूजे भी जाते हैं, क्योंकि वो जबरदस्त आर्किटेक्ट थे, शिल्पी विश्वकर्मा। ये अंग ऋषि से, अंग ऋषि की पत्नी अंग ऋषि से, वसु की पत्नी अंग ऋषि से उत्पन्न हुए। ये आपके लिए ये चीज नोट करने की भी है, कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो ये आपको पता लगे कि विश्वकर्मा किसका पुत्र था। विश्वकर्मा आकृति के पति बने, विश्वकर्मा विश्वकर्मा आकृति के पति आकृति के पति बने बने, जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। जिनसे जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। जन्म ग्रहण किया। हाँ, ये नॉलेज ये आपके लिए अच्छा है, उपयोगी है ये सोचना। क्या विश्वकर्मा की पत्नी का नाम आकृति था और उनसे चाक्षुष मनु पैदा हुए, क्योंकि मनु ये आपको 14 मनु होते हैं ना एक कल्प में, तो उसमें से चाक्षुष मनु एक है। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। हाँ, लेकिन आपको ये भी है कि मनु में ये जो पहले मनु थे, स्वयं वह मनु, वो बहुत उनके पुत्र पुत्रियां इतनी फेमस हुई कि वो बहुत पूजे जाते, ब्रह्मा के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे स्वयं वह मनु। विभावसो असुतोषा व्युष्टम रोचिषम आतपम पंचयामो अथ भूतानि येन जागृति कर्मसु। मेरे साथ पढ़िए, विभावसो असुतोषा विभावसो विभावसो असुतोषा असुतोषा
युष्टम रोचिषम आतपम विष्णुम रोचिषम आतपम आतपम पंचयामो अथ भूतानि पंचयाम यथ भूतानि येन जागृति कर्मसु विभावसु के असूत उत्पन्न हुए उषा उषा व्युष्टम व्युष्ट रोचिषम रोचिष आतपम आतप पंचयाम पंचयाम अथ तत्पश्चात भूतानि जीवात्माएं येन जिसके द्वारा जागृति जागृति होते हैं जागृत होते हैं कर्म भौतिक कार्यों में मेरे साथ विभावसु की पत्नी उषा के तीन पुत्र उत्पन्न हुए उषा के तीन पुत्र उत्पन्न हुए व्युष्ट रोचिस तथा आतप तथा आतप इनमें से आतप के इनमें से आतप के पंचयाम पंचयाम यानी दिन उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है ये वाला पंचयाम दिन प्रभु जी क्या ये इसको ऐसे समझे क्या ये कंट्रोलर कंट्रोलर डेमिगॉड्स है ये सभी है? जैसे मूर्ति ये इसको ऐसे समझे क्या कि ये कंट्रोलर डेमिगॉड्स है सभी मूर्त कभी हाँ मूर्त भी आया था पीछे और फिर अभी दिन के लिए भी आया इसमें हाँ ये कंट्रोलर डेमी गॉड डेमी ये क्योंकि ये बड़े बड़े महान शक्तियां पैदा हुई पुत्रियों से उनमें से कुछ देवता पैदा हुए जैसे वसु पैदा हुए और अभी ये विश्वकर्मा पैदा हुए और विश्वकर्मा से फिर मनु पैदा हुए और यहाँ इसमें इनमें से जो आतप के पंचयाम पुत्र आतप के आतप पुत्र था ये तीन पुत्र जो उषा के थे विभावसु से इनमें व्युष्ट रोचिस तथा आतप इनमें से आतप के पंचयाम पंचयाम क्या दिन होता है पंचयाम उत्पन्न हुआ जो समस्त जीवात्मा को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है पंचयाम हम ऐसे सोचें पंचयाम वह है जो हमको भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है तो ये ऐसा भी देवता है जो हमको भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है इसका मतलब है ये ऐसा देवता जो जिसमें प्रकृति के तीन गुणों का बहुत प्रभाव होता होगा क्योंकि अगर आप सत्वगुणी हैं तो सत्वगुणी कार्य करने के लिए प्रेरित होते रजोगुणी है तो रजोगुणी कार्य करने के लिए लेकिन ये प्रेरित करता है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा भी देव है जो आपको भौतिक कार्य के लिए प्रेरित करता है किसी को कम किसी को ज्यादा जो बिल्कुल जिसको नहीं प्रेरित करता है वो एकदम आलसी होगा और जरूरी नहीं है आलसी हो तो वो भक्ति में नहीं जाएगा क्योंकि भक्ति करने वाले को सकाम कर्म से प्रेरित नहीं किया जा सकता है तो इस वजह से इसके इसके बारे में मैं देखता हूँ मुझे समय मिलता है तो मुझे समय की बड़ी कमी हो रही है यहाँ आप पल्लवी माता जी अगर आपको समय हो जरा इसको चेक करके दो जी जी प्रभु जी वेदा बेस में और कल बताइएगा अगर मिला आपको तो स्वरूपा स्वरूपा असूत भूतस्य भार्या रुद्रांश कोटिशः रेवतो अजो भवो भीमो
वाम उग्रो वृषा कपि अपि अजय पाद ही अजय पाद ही अजय पाद ही होना चाहिए अजय पाद ही भृग्नो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाचान्ये होरा प्रेत विनायका मेरे साथ पढ़िए स्वरूपासुत भूतस्य स्वरूपासुत भूतस्य भार्या रुद्रान सकोटिशः रेवतो अजो भवो सिंह भीमो वाम उग्रो वृषा कपिः वृषाक अपि ही हो गए अजय पाद ही मृग्नो अजय पत्नो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाः चान्ये होरा प्रेत विनायका स्वरूपा स्वरूपा ने असुर उत्पन्न किया भूतस्य भूत की भार्या पत्नी रुद्रान रुद्रों को च तथा कोटिशः 1 करोड़ रेवतः रेवत अजह अज भवः भव भीमः भीम वामः वाम उग्रः उग्र वृषा कपि हाँ मैं गलत कह रहा था वृषा कपि होगा वृषा कपि ने वृषा कपि ही है वृषा कपि ही अजय पाद अहिर अहिर हाँ ये अहिर नहीं है अहिर ब्रग्ना बहुरूपः बहुरूप महान महान इति इस प्रकार रुद्रस्य इन रुद्रों के पार्षदा उनके पार्षद च तथा अन्य अन्य घोरा अत्यंत भयानक प्रेत भूत विनायका तथा विनायक मेरे साथ पढ़िए भूत की पत्नी स्वरूपा ने भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया एक करोड़ रुद्रों को जन्म दिया हाँ वह तो पुत्र तो हजारों में बात कर रहे थे और पुत्रियों ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये हैं जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र रेवत अज अज भव भव भीम भीम वाम वाम उग्र उग्र विशा कपि कपि अजय पाद अहिर प्रज्ञ बहुरूप तथा महान बहुरूप तथा महान भूत की दूसरी पत्नी भूता से भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथी भयंकर भूतों तथा उनके साथी भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ विनायक आदि का जन्म हुआ। हाँ अब आपको ये ताजुब लग रहा होगा कि ये रुद्र तो ब्रह्मा ने पैदा किए थे। हाँ कब पहले कल्प में शुरू में उसके बाद जब दूसरे बार कभी भी आएगा तो ये पैदा ये वह रुद्र नहीं है जो पहले उन्होंने पैदा किया था। उन्होंने तो 11 ही रुद्र पैदा किए शिव जी ने सॉरी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी जब 5 कुमारों ने मना कर दिया कि हम संतान पैदा नहीं करेंगे हम तो ठीक है हम तो पिताजी हम बड़े होंगे ही नहीं वो 5-6 साल के बने रहे कुमार ताकि आपको पता है जब
बच्चा होता है, बच्चे में वासना कभी हो ही नहीं सकती। बड़े होने के बाद जब वयस्क हो जाता है तब ये चीजें डेवलप होती हैं, तो बच्चे में ये चीज नहीं आती। उन्होंने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे, तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, उनको गुस्सा आया मन ही मन। जब पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो बाप को गुस्सा आता है। हम तो लोग तो चैटा में मारते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, कुछ बोले नहीं, तो उस गुस्से में उनके भौं से रुद्र पैदा हुए। रुद्र पैदा हुए, हाँ, किसको खाना है, क्योंकि संहार के लिए था काम, शिव जी का काम, तो रुद्र में शिव जी भी हैं। और तो उन्होंने कहा अरे अभी तो सृष्टि करनी है, श्रृंगार की बात क्या करो, जाओ तपस्या करो, ये करके आया था पहले। तो लेकिन दूसरे बार जब होता है तो दूसरे कल्प में ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे पैदा हुए हों रुद्र। ये बल्कि कल्प की भी, हाँ कल्प की बात तो नहीं है, उसी दूसरे मन मंत्र में ऐसे पैदा हुए हैं, तात्पर्य आया है इसमें। पढ़िए, माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। श्री कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि बुद्ध के दो पत्नियां थी। इनमें से पहली पत्नी सरूपा ने 11 रुद्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षद गण उत्पन्न हुए जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। हरे हाँ, कृष्ण ये भी हो सकता है कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इतने इतने ज्ञानी थे, जहां पर उनका कुछ कहा है तो उसको मानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो महान ज्ञाता थे। उन्होंने दिया है कि पहली पत्नी से 11 रुद्र पैदा हुए, जो यहाँ दिया है ना, ये करोड़ 1 करोड़ पैदा हुए, तो ये उन्होंने कहा कि 11 रुद्र को जन्म दिया, दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षद गण उत्पन्न हुए। पार्षद गण जो बताए गए हैं, ये जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये तात्पर्य, नहीं तो इन चीजों में प्रभुपाद तात्पर्य नहीं लिखते, जहां इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसकी बेटी ये, इसमें वो कुछ लिखते ही नहीं। प्रजापते अंगिरसः तथा पत्नी पितृनाथ, पितृन अथ होगा, होना चाहिए, हाँ पितृन अथ। अथवा अंगिरसं वेदं पुत्रत्वे च अकरोत् सति। मेरे साथ पढ़िए, प्रजापते अंगिरसः प्रजापतिरंगिरसः तथा पत्नी पितृन तथा अथ। पत्नी पितृन अथर्वांगिरसं वेदं अथर्वांगिरसः पुत्रत्वे चकरोत् असि पुत्रत्वे सति। चकरोत् सति प्रजापते अंगिरसः अंगिरा नामक अन्य प्रजापति को स्वधा स्वधा पत्नी पत्नी पितरन पितरगण अथ तत्पश्चात अथर्वांगिरस वेदम साक्षात वेद पुत्रत्वे, अथर्वेद हो गया, पुत्रत्वे पुत्र के रूप में च तथा अकरोत् स्वीकार किया सती सती ने। प्रजापति अंगिरा के दो पत्नियां थी, पढ़िए, अच्छा प्रजापति अंगिरा के दो पत्नियां थी। स्वधा तथा सती। स्वधा तथा सती स्वधा स्वधा ने समस्त पितरों को ने समस्त मित्रों को पुत्र पुत्र रूप में स्वीकार किया, रूप में स्वीकार स्वीकार किया किया और सती ने और सती सती ने ने
अथर्वांगिरिस वेद को अथर्वांगिरिस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया, वही पुत्र रूप पुत्र में में स्वीकार स्वीकार किया। कर लिया। हाँ, ये समझ आता है कि उन्होंने पितरों को पुत्र रूप में मान लिया, इन्होंने अथर्वेद को पुत्र रूप में मान लिया, ये बात तो आती है समझ में। कृशासो अर्चिषि भार्या याम धूम के तुम अजी जनत तिश्रायाम वेद शिरो देवलम तिश्रायाम वेद शिरो देवलम वयुनम मनु। मेरे साथ पढ़िए। कृशासो अर्चिषि भार्या कृषा हाँ ठीक है, भार्यायाम साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं सोचा भार्यायाम भार्याम नहीं है। कृशासो अर्चिषि भार्यायाम धूम के के तुम अजी जनत जना धिष्णायाम वेद शिरो निष्णायाम देवलम वयुनम मनु। देवलम शब्दार्थ है कृशास्व कृशास्व अर्चिषि अर्चिष भार्यायाम अपनी पत्नी से धूम के तुम धूम केतु को अजी जनत जन्म दिया, धिष्णायाम धिष्णा नामक पत्नी से वेद शिरह वेद शिरा देवलम देवल वयनम वयन मनु मनु। मेरे साथ पढ़े। कृशास्व से कृशास्व के कृषाश्व के अर्चिस तथा धिष्णा नामक दो पत्नियां थी। अर्चिस अर्चिस नामक दो पत्नियां थी। अर्चिस से धूमकेतु अर्चिस अर्चिस से से धूमकेतु धूमकेतु और धिष्णा और और कृष्णा कृष्णा धिष्णा से वेद कृष्णा शिरा देवल के वेद वयुन देवल वयुन वयुन तथा तथा मनु नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। मनु मनु नामक नामक चार चार पुत्र पुत्र उत्पन्न उत्पन्न हुए। हुए। विनीता कद्रु पतंगे यामिनी त्वचा पतंग्यसूत पतंग पतगान्यम पतंग्यसूत पतंग्यसूत। देखते हैं क्या है। पतंग असूत पतंग हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। पतंग्या है तो पतंगी करेंगे तो असूत हो जाएगा, पतंग असूत पतगान। मेरे साथ पढ़िए। पतंग असूत पतगान पतंगसूत जी, पतगान अरे प्रभु अभी आप मेरे जी साथ नहीं पढ़ रहे थे ना। ठीक है, मुझसे एक लाइन नहीं, ठीक है पहले मैं पढ़ लेता हूं, मैंने पढ़ा नहीं ना अभी पूरा। पतंगी असूत पतगान यामिनी सलभान अथ सुपर्णा असूत गरुणम साक्षात यज्ञेश वाहनम सूर्यसूतम अनुरूम अनुरूम चा चाको। हमेशा आपको लेना पड़ेगा। कद्रोह नाग नागान ए नागान अनेक सह नेक सह ने अनेक सह। अब मेरे साथ पढ़िए। ताक्षस्य विनीता कद्रुः ताक्षस्य पतंगी यामिनी च पतंगी विनीता कद्रुः असूत पतगान
पतंगियाश्रुते यामिनी शलभानथा यामिनी शलभानथा। सुपर्णा सूत, सुपर्णा असूत भी हो सकता है। हाँ सुपर्णा असूत गरुणम सुपर्णा श्रुत गरुणम साक्षाद यज्ञे सवाहनम साक्षाद यज्ञे सवाहनम। सूर्य सूतम, सूर्य असूतम, असूत सूर्य सूर्य सूतम है, सूर्य सूतम अनुरूरम च। सूर्योतमनुरुञ्च कद्रो नागाननेकषः, कद्रो शब्दार्थ है ताक्षस्य, ताक्षस्य ताक्ष अर्थात कश्यप, कश्यप को बोला जाता है कश्यप, क्योंकि कश्यप को कितनी पुत्रियां दी थी इन्होंने, 17 13 पहले दी थी, चार जो बचे वो भी कश्यप को दे दिए। उनको लड़कियों को पूछा होगा कहाँ जाना चाहते हो, कश्यप के पास। भिन्नता भिन्नता, कद्रु कद्रु, पतंगी पतंगी, यामिनी यामिनी इति, इस प्रकार च तथा पतंगी पतंगी ने असुर जन्म दिया, पतगान विभिन्न प्रकार के पक्षी। देखिए अब ये सही है कि पशु पक्षी रेप्टाइल सब पैदा हुए इनसे। यामिनी यामिनी ने शलभान टिड्डियों को जन्म दिया, अथा तत्पश्चात सुपर्णा बिंदा नामक पत्नी ने असुर जन्म दिया गरुण विख्यात पक्षराज गरुड़ को, साक्षात प्रत्यक्ष यज्ञे सवाहनम भगवान विष्णु का वाहन, सूर्य सूतम सूर्यदेव का सारथी, अनुरूपम अनुरूप च तथा कद्रु कद्रु ने नागान सर्पों को अनेक सह अनेक प्रकार के सवा गिना। मेरे साथ पढ़िए, कश्यप अर्थात ताक्ष की चार पत्नियां थी। हाँ पत्नियां तो उनके बहुत थी, यहाँ चार का वर्णन आया पर उनके तो काफी पत्नियां थी। भिन्ता यानी सुपर्णा, सुपर्णा का नाम सुपर्णा भी था, मतलब इसका मतलब। कद्रु कद्रु, पतंगी पतंगी तथा यामिनी, तथा यामिनी। हाँ इन चारों ने क्या क्या उत्पन्न किया इसकी बात चल रही है, क्योंकि उनके पतियां बहुत थी कश्यप की। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया, पतंगी ने पतंगी ने नाना नाना प्रकार प्रकार के के पक्षियों को पक्षियों जन्म को दिया, जन्म तो दिया। ये आपका प्रूफ हो गया। पक्षियां आई कहाँ से, पतंगी ने इनको जन्म दिया था, किसकी पत्नी थी, कश्यप की। और यामिनी ने टिड्डियों को, और यामिनी ने यामिनी ने टिड्डियों को, टिड्डियों को, हाँ टिड्डियां भी बहुत प्रकार के होते हैं, उन्होंने भी बहुत प्रकार के उनको जन्म दिया होगा। विंता सुपर्णा ने, विंता विंता सुपर्णा ने भगवान सुपर्णा विष्णु के वाहन गरुण, ने भगवान भगवान विष्णु के विष्णु वाहन के वाहन गरुड़ गरुड़ तथा तथा सूर्यदेव के सारथी, तथा सूर्यदेव के सूर्य सारथी के सारथी अनुरूप, अनुरूप 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 अथवा अथवा अरुण अथवा को जन्म दिया। अरुण को जन्म अरुण दिया, को जन्म दिया। हाँ अनुरु अरुण होगा, क्योंकि अरुण उनका भगवान सूर्य सूर्य नारायण का ये सारथी है अरुण। कद्रु के गर्भ से अनेक गर्भ से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए, प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। हाँ तो ये इतनी इतनी पोटेंसी थी कश्यप में, ये सब क्योंकि यही पैदा करना था उस समय, ब्रह्मा जी का आदेश था, ब्रह्मा जी के, क्योंकि ये सारे पशु पक्षी सारे उत्पन्न हुए, अभी पशु नहीं आए, अभी पशु का व्यापारी नहीं आए कि कोई पशुओं को भी जन्म देगा। अब जैसे पशु में नर नारी दोनों पैदा किए होंगे, नागों में नर नारी दोनों पैदा किए होंगे, इस तरह से
कृतिका आदेनि नक्षत्राणि इन्दो पत्न्यः तु भारत पत्न्यस्तु भारत या पत्न्यः तु भारत दश शापात् सो अनपत्यः तासु यक्ष्मग्रहार्दितः। मेरे साथ पढ़िए। कृतिका आदेनि नक्षत्राणि कृतिकादीनि नक्षत्राणि इन्दो पत्न्यस्तु भारत इन्दो पत्न्यस्तु भारत भारत कौन आ गया? ये भारत परीक्षित महाराज कौन सुना रहे हैं? सुखमनी सुखमनी बता रहे हैं उसको। दस शापात् सो अनपत्यः दक्षशापात् दक्षशापात्सोऽनपत्यः तासु यक्ष्मग्रहार्दितः कृतिका आदेनी कृतिका इत्यादि नक्षत्राणि नक्षत्रगण इंदो चंद्रदेव की पत्नियां पत्नियां तो। लेकिन हाँ चंद्रदेव को सबसे कितनी पत्नियां कितनी पुत्रियां दी थी दक्ष ने चंद्रदेव को दी थी? नवत्री था या त्रिनव था? त्रिनव का मतलब 9 का 3 गुना 27 पुत्रियां दी थी चंद्रदेव के। तो वो अब नक्षत्रों को पैदा कर रहे हैं। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए अतः किसी की भी पत्नी के कोई संतान नहीं। मेरे साथ पढ़िए। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित कृतिका कृतिका नामक राशियां नामक राशियां हाँ कृतिका राशि चंद्रदेव की पत्नियां थी। चंद्रदेव की चंद्रदेव पत्नी की पत्नियां थी थी क्यों? कृष्णा आवाज आ रही है क्या सभी को? नहीं नहीं आवाज आवाज नहीं आ रही है। नहीं मेरे ख्याल से गौरी शंकर मुझे बोल ही नहीं रहे हैं। नेटवर्क इशू है मतलब। नेट प्रॉब्लम कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थी। क्योंकि कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां चंद्रदेव की पत्नियां थी क्योंकि क्योंकि प्रजापति दक्ष ने प्रजापति दक्ष चंद्रदेव को श्राप दिया था कि चंद्रदेव को श्राप दिया था ने उसे क्षय रोग हो जाए उसे क्षय रोग हो जाए हो जाए अतः किसी भी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई। अर्थात किसी भी किसी भी पत्नी से कोई पत्नी से संतान कोई नहीं हुई। संतान हाँ नहीं हुई हरे तात्पर्य दिया है। पढ़िए प्रवाहित माता जी। कृष्णा रीता पंडित माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष अनुरक्त था अतः वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा अतः अपनी कन्याओं के इस शोक को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसे श्राप दे दिया। हरे कृष्ण माता जी ये कारण था कि रोहिणी पर विशेष अनुरक्त था और क्योंकि उनकी चंद्रदेव की और पत्नी भी होंगी रोहिणी पत्नी होगी कोई तो इनकी पुत्रियों को की उपेक्षा होगी। तो पुत्रियों ने पिताजी को बताया होगा दक्ष को ऐसा हो रहा। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उसे कुष्ठ रोग हो जाए क्षय रोग हो जाए सॉरी क्षय रोग कहते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को। तो उनके कोई
संतान नहीं हुई, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रान दक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवै नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा माता।